मनिहारी और साहेबगंज के बीच फेरी सेवा के अलावे जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स के मालवाहक जहाज के परिचालन को लेकर दोनों ग्रुप के बीच स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। लेसी धारक अवध सहनी ने जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स द्वारा मालवाहक जहाजों के परिचालन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 15 दिनों से साहेबगंज और मनिहारी के बीच पूर्व से लेसी के तहत जहाजों के परिचालन करने वाली संस्था और जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स के बीच जहाज परिचालन को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेसी धारक अवध सहनी कहते हैं कि जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स अवैध तरीके से जहाजों का परिचालन कर रहा है, जिसके पास इस रूट में जहाजों का परिचालन करने का ना तो कोई आदेश है और ना ही कोई लाइसेंस निर्गत है, लिहाजा जबरन और अवैध तरीके से जहाजों के परिचालन से लेसी धारक को काफी नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग रांची से एक आदेश मिला है कि जो है वह जहाज जो है डब्ल्यू का रूल जो है मतलब कि पोर्ट बाय पोर्ट चलना चाहिए, पोर्ट बाय पोर्ट मतलब टर्मिनल बाय टर्मिनल चलना चाहिए, जबकि यहाँ मनिहारी घाट में टर्मिनल नहीं है बना हुआ और अपने स्तर से जो है चट्टी बना के मेसर जय बजरंग कंपनी के द्वारा जो है एक अमेठी और एक जो है टाइटल फोर जहाज चलाया जा रहा है, जिससे हमको जो है काफ़ी क्षति हो रहा है और सरकार को हम जो है विधिवत आदेश के मुताबिक 7,05,334 रुपया जमा करके परिचालन आदेश के मुताबिक कर रहा हूँ और दूसरा जहाज चलने से मुझे बहुत नुकसान है और वो लोग जो है मतलब दबंग टाइप के लोग हैं, बहुत ऐसा है मतलब कि दमगीस चलाना चाह रहा है, हम लोग गरीब संस्था हैं, हम लोग जो है मतलब भयभीत हमेशा रहते हैं, 5-6 यहाँ स्टाफ रहता है उसको भी भय बना हुआ रहता है। जहां एक तरफ मनिहारी साहेबगंज फेरी सेवा के लेसी धारक जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स द्वारा किए जा रहे जहाजों के परिचालन को अवैध बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साहेबगंज जिला प्रशासन ने भी लेसी धारक के अलावे किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के द्वारा जहाजों के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगाते हुए इसकी सूचना कटिहार जिला प्रशासन को दी है। बावजूद इसके जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स द्वारा बेखौफ साहेबगंज से मनिहारी जहाजों का परिचालन किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है और किसके सह पर किया जा रहा है आप बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल जरूरत है जो अवैध है उससे सख्ती से साहेबगंज और कटिहार जिला प्रशासन निपटे, ताकि न्याय और कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।